उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पांचवी बैठक महाबंज स्थित रसखान समाधि स्थल पर हुई, जिसकी अध्यक्षता सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारियों के अतिरिक्त जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में अभी तक ब्रज में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही साथ आगामी भविष्य में ब्रज के बेहतर विकास के लिए रणनीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा अभी तक ब्रज क्षेत्र में करीब 400 करोड़ की योजनाओं के अंतर्गत कार्य कराए गए हैं, जिनमें ब्रज के संरक्षण एवं पुरातत्व महत्व के स्थलों को सौंदर्यीकरण, ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा का सौंदर्यीकरण कराने के अतिरिक्त ब्रज हरा भरा रहे इसके लिए विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं, ताकि ब्रज का अपना स्वरूप कायम हो। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के CEO रांगित प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रज के बेहतर विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आने वाले समय में ब्रज क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रसखान समाधि स्थल पर ब्रज विकास की बैठक लिए सब मैं साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद के CEO नागर तक आज सीएम साहब ने बैठक की, कुछ समीक्षा हुई और आगे की क्या विकास कार्य को लेकर पंचम बोर्ड बैठक की और उसमें जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए साथ ही आगे जन्मभूमि जो सुझाव सारी परियोजनाएं पिछले कई सालों में देखा जाए तो बोर्ड द्वारा बहुत सारे काम कराए, कितने काम अभी तक कराए गए हैं और क्या प्लानिंग्स में है कि जिसको ब्रज को संरक्षित किया जाए, इसके स्वरूप में रखा जाए। पिछले वर्षों में 105 परियोजनाएं इनकमिंग क्या और प्लानिंग्स हैं ब्रज के विकास के लिए, काफी योगदान आपका ब्रज के विकास में। आने वाले समय में पूरा सबको यमुनाबाद से कनेक्ट रहेगा और जगह जगह उसकी ओपनिंग की जाएगी।